के स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो स्टेटमेंट भी कहा था और स्टेटमेंट दिया भी था। उनका जो स्टेटमेंट आज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था कि अरबियों की जिस जमीन पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है वह तत्काल उस जमीन को खाली करें। देखिए निस्तो नाबूद तो आज तक नहीं कर पाए, निस्तो नाबूद तो आप हुए, आपको नहीं देखा, आपको रोमन एम्पायर ने मार के भगाया, आपको एडोल्फ हिटलर ने मार के भगाया। जब रोमन एम्पायर आपको मार के भगा रहा था उस वक्त पर आपको बचाने का काम अरबियों ने किया, आप भूल गए। लड़ाइयां जो हैं वो हथियारों से नहीं हौसलों से लड़ी जाती हैं, और हौसले जो हैं वो फिलिस्तीन के बुलंद हैं। और याद रखिएगा कि जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम कर जाती है, और आज हर देश से दुआ करी जा रही है फिलिस्तीन की जीत के लिए। और उन्होंने एक ही बात कही है कि या तो फकत होके आएंगे या शहादत होके आएंगे। और ये बात देश के अंदर किसी को नहीं पता होगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत देश के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का दौरा भी किया। पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने फिलिस्तीन का दौरा भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी इसराइल को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि पहले का फिलिस्तीन देखेंगे वो 100% फिलिस्तीन था, लेकिन आज का फिलिस्तीन जब आप देखेंगे तो 16-17% पे आके फिलिस्तीन बचता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज फिलिस्तीन अपने जो वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, उस वजूद की लड़ाई में जो अच्छे और सच्चे इंसान है जिन्होंने देखा है और इस देश को फिलिस्तीन को समझा है, वो लोग आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। भारत देश के जितने भी आप पूर्व प्रधानमंत्रियों को देखेंगे, चाहे फिर वो श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे फिर वो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे फिर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, जितने भी प्रधानमंत्री भारत देश के रहे हैं उन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया है, समर्थन दिया है। और भारत देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो स्टेटमेंट भी कहा था और स्टेटमेंट दिया भी था। उनका जो स्टेटमेंट आज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था कि अरबियों की जिस जमीन पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है वह तत्काल उस जमीन को खाली करें। यह बात पूरे देश में सभी को पता है कि जिस तरीके से इसराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया, उनके बच्चों को मार दिया, आपने देखा कि कई बच्चों को दीवार से बांधकर उनको तोप से उड़ा दिया गया, तो यानी इंसानियत को वहां पर शर्मसार कर दिया गया था, तार तार कर दिया गया। अभी आप ये देखा होगा कि कल ही कल में जो है वो कई 100 बच्चे मरे हैं। आप ये सोचिए और देखिए कि एक समय में कितने बच्चों की हत्या हो रही है जिन बच्चों का कोई दोष नहीं है, वो आम नागरिक जिनको पता भी नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे जो जानते भी नहीं है कि किस बात की बमबारी हो रही है, उनको ये भुगतान भुगतना पड़ रहा है। लेकिन छोटे छोटे भारत से कुछ लोग जाना चाह रहे हैं इजराइल लड़ने के लिए, कह रहे फिलिस्तीन का इलाज करना। जो लोग भारत से जाना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, भारत से इजराइल जाने से अच्छा है कि भारत से अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर चले जाएं। वहाँ पर चाइना ने हमारी कुछ जमीनों को कब्जा कर रखा है, वहाँ पर जाएं और चाइना की उस जमीन, जो चाइना ने हमारी जमीन को जो कब्जा कर रखा है उसको आजाद कराने का काम करें। क्या आप ये काम करेंगे? ये लोग ऐसे लोग हैं जो सरकार के 5 किलो राशन पर जिंदा हैं, लेकिन कहते हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे। ये देश 250 सालों तक गुलाम रहा, ऐसी थोड़ी गुलाम रहा, क्योंकि इस देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग अंग्रेजों का समर्थन करते थे और आज भी गलत का ही साथ दे रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन इसराइल तो कह रहा है कि जो है खत्म, नस्तो नाबूद कर देंगे, चेतावनी दे रहा है। देखिए निस्तो नाबूद तो आज तक नहीं कर पाए, निस्तो नाबूद तो आप हुए, आपको नहीं देखा, आपको रोमन एम्पायर ने मार के भगाया, आपको एडोल्फ हिटलर ने मार के भगाया। जब रोमन एम्पायर आपको मार के भगा रहा था उस वक्त पर आपको बचाने का काम अरबियों ने किया, आप भूल गए, आप भूल गए ना। आप जिसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं उसी ने आपका वजूद बचाया। एडोल्फ हिटलर ने जब इनको मार के भगाया, जो आपको पता होगा जर्मन का जो तानाशाह था एडोल्फ हिटलर, उसने जब इनको मार के भगाया उसके बाद इनको फिलिस्तीन शिफ्ट किया गया। फिलिस्तीन के अंदर ये रिफ्यूजिस के तौर पर रहते थे, यानी शरणार्थी के तौर पर रहा करते थे। आपको एक बात बता दूं, आज ये फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं, उनके लोगों की जमीन को कब्जा कर रहे हैं, उन्हीं के लोगों को मार रहे हैं, जबकि जिनकी जमीन है, जिनका पूरा हक है, उन्हीं को आप लोग मार रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है बताइए ना, उन्हीं की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। आतंकवादी संगठन जो है साथ दे रहा है इन लोगों का। सुन लीजिए मेरी बात को सुन लीजिए, क्या अपने वतन अपने मुल्क की आजादी की लड़ाई को लड़ना आतंकवाद कहलाया जाता है? क्या वो टेरर कहलाया जाता है? मैं ये फिलिस्तीन को लेके बात कर रहा हूँ, मैं किसी संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ, फिलिस्तीन की बात कर रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को इस देश से भगाया, तो क्या वो टेरर था?
नहीं था ना, वो आजादी थी हमारे देश की, हमारे मुल्क की आजादी थी। तो फिलिस्तीन को आज आजादी चाहिए जिनके बच्चों को मार दिया गया। दूसरी बात ये कि आज एक बात मुझे बताइए, आज देश में ना दो तरीके के गुट पैदा हो गए, एक ऐसा गुट जो फिलिस्तीन का विरोध कर रहा है और एक ऐसा गुट जो इसराइल का समर्थन कर रहा है, दो तरीके के लोग हैं। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लड़ाइयाँ जो हैं वो हथियारों से नहीं, एक मिनट, लड़ाइयाँ जो हैं वो हथियारों से नहीं हौसलों से लड़ी जाती हैं, और हौसले जो हैं वो फिलिस्तीन के बुलंद हैं। और याद रखिएगा कि जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम कर जाती है, और आज हर देश से दुआ करी जा रही है फिलिस्तीन की जीत के लिए। और उन्होंने एक ही बात कही है कि या तो फकत होके आएंगे या शहादत होके आएंगे, यानी या तो जीत कर आएंगे या शहीद होकर आएंगे, एक ही बात है। लेकिन लोग ने इजराइल का समर्थन किया, आप उनके साथ नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि जिस भारत देश के इतिहास ने और भारत देश की सरजमी ने सदैव फिलिस्तीन का समर्थन किया, और ये बात देश के अंदर किसी को नहीं पता होगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत देश के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का दौरा भी किया। पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने फिलिस्तीन का दौरा भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी इसराइल को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि हथियार इसराइल देता है, ईपीएम का सेटअप इसराइल देता है। इसलिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इसराइल के समर्थन में। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को मार दिया गया आप क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए, बताइए ना आप मुझे। दूसरी बात ये कि आज प्रधानमंत्री को बड़ा दुख और दर्द हुआ, हमारे देश के पूर्व सैनिक जो सड़कों पर बैठे हुए हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री को दर्द और तकलीफ नहीं होता, लेकिन इजराइल के सैनिक को चोट लग जाए तो प्रधानमंत्री को दर्द होता है। हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं वहाँ इजराइल से, मणिपुर के अंदर तो प्रधानमंत्री ने बात नहीं करी। देखिए और सोच कर देखिए और समझिए, देश की जनता को आज समझने की जरूरत है कि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, मणिपुर जब जल रहा था हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा कर रहा था, अमेरिका का दौरा कर रहा था, मिस्र की मस्जिद का दौरा कर रहा था, आप सभी ने देखा होगा। लेकिन आज जब इसराइल जल रहा है तो हमारा प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री कॉल कर करके पूछ रहा है क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, मैं मदद करूं। भाई क्या तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? हमारे देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया गया मणिपुर में, तब आप नहीं बोले, तब आपने चुप्पी साधे रखी मणिपुर पर। आपके कंट्री जो है, जितने भी अरब कंट्री है वो चुप क्यों है? सऊदी अरब तो कुछ बयान जारी किया है, लेकिन जो ताकतवर मुल्क है मुस्लिम कंट्री में, उन्होंने अभी तक जो है किसी तरीके से कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है। नहीं, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे आपको बताता हूँ कि अफगानिस्तान जो कि मुस्लिम कंट्री है उसने भी कही है इस बात के लिए, और जॉर्डन को, और जो बीच में एक और देश पड़ता है इराक या ईरान, उससे बात भी कही है कि आप मुझे वहाँ पर जाने की इजाजत दीजिए, उन्होंने बात की मुझे रास्ता दीजिए। अफगान लड़ाके जाना चाह रहे हैं वहाँ, अफगान लड़ाके कह रहे हैं कि हम जाएंगे। हाँ तो वो तो मैं आपको बताता रहा हूँ भाई। दूसरी बात ये है कि जो और भी तमाम जो देश है, इराक हो, ईरान हो, और तुर्की तो खुलकर बोलने वाला देश हो, खुल के साथ देने वाला देश है, इराक तो हमेशा से साथ दे ही रहा है इराक और ईरान, तो आपका ये कहना कि साथ नहीं, फिलिस्तीन के साथ हजारों लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, और मैं ये बात जानता हूं कि अब की बार फिलिस्तीन जो है वो इन सब चीजों से आजाद होगा। लेकिन वो शर्मा सवाल लोग कुछ लोग ये क्यास लगा रहे हैं कि जब तक जो है फिलिस्तीन के जमीन पे जो है इसराइल हमला कर रहा है तब तक जो है मुसलमान कहीं ना कहीं मानवता की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा उसके बाद पूरी दुनिया में इस तरीके की जंग देखा जाएगा जो आज तक नहीं देखा गया। तो उसको आप देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी धर्म और किसी भी रिलीजियन के अंदर खून बहाना नहीं लिखा है। अगर आप किसी को मारते हो, किसी को पीटते हो, किसी का कत्ल करते हो, वो इंसानियत के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जब बात अपने धर्म, अपने जाति, अपने मजहब की हो, और जब बात हक की और सच की हो, तो जो हम जो जंग लड़ते हैं वो जंग वाजिब कहलाई जाती है। ये भी उसमें लिखा हुआ है। इसराइल आतंकी है या फिलिस्तीन? देखिए, सबको पूरे देश को दिख रहा है कि फिलिस्तीन कहाँ से आतंकी हुआ, जिनके छोटे छोटे बच्चों को उड़ा दिया गया। नहीं, जिसको छोटे छोटे बच्चों को जिनके उड़ा दिया गया वो आतंकी हो सकता है? जिसने मैं फिलिस्तीन के समर्थन में, वो इसलिए क्योंकि वो फिलिस्तीन जिसने इसराइल को शरण देने का काम किया, यहूदियों को शरण देने का काम किया, उनको शरणार्थी के तौर पर रखा, रिफ्यूजिस के तौर पर रखा, और आज वही लोग उनको मारने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, ये नहीं सर, मैं भारत के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी एक पर्सनल राय है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के खिलाफ थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के खिलाफ थे? मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे को एक शब्द में जवाब दीजिए, हाँ या ना? हाँ या ना? उस समय मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ या ना? सिर्फ एक शब्द में जवाब दीजिए,
जो समय वो उस वक्त था उस वक्त भी आज भी वही समय है, सेम स्थिति। लेकिन मोहित शर्मा लोग तो सवाल कर रहे हैं कि आज जो आज फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ आप खड़े हैं, कल पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ खड़े हो जाएंगे आप। बिरयानी तुम्हारे चाचा खा रहे हैं मोदी जी पाकिस्तान की है, और हमें कह रहे हो कि हम पाकिस्तान के साथ। भैया मेरी बात सुन लीजिए, इस देश के अंदर और उस देश के अंदर, यानी सरहद पार की ओर और सरहद के इस पार की ओर, दोनों लोगों को डराया जाता है। भारत को डराया जाता है पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान को डराया जाता है भारत के नाम पर। एक बात मुझे बताइए, अगर एक चीज भी रुकी हुई हो, पाकिस्तान से व्यापार पहले भी होता था, आज भी होता है, पाकिस्तान के खिलाड़ी आज भी इंडिया में खेलने आते हैं, इंडिया के खिलाड़ी आज भी वहां जाते हैं।